बच्चों को क्या देना चाहिए, प्रॉपर्टी या संस्कार? और आप लोग क्या दे रहे हैं? आप पैसा दे रहे हैं बच्चों को, प्रॉपर्टी दे रहे हैं, बैंक बैलेंस दे रहे हैं, सोना चांदी दे रहे हैं बच्चों को, आप सब कुछ दे रहे हैं, पर जो देना है वो नहीं दे रहे हैं। इसलिए माँ बाप, इस कलयुग के माँ बाप फेल हैं, फेल हो रहे हैं। माँ बाप पास तब होंगे जब माँ बाप अपने बच्चों को प्रॉपर्टी की जगह संस्कारवान बनाएं। बेटे को टैलेंटेड बनाओ, काबिल बनाओ, हुनर सिखाओ, हुनर। बचपन से मुझे कुछ ना कुछ सीखने की इच्छा रही है और आज भी मैं कुछ ना कुछ सीखता हूं। एक बात बताएं मेरी मां, चलो आप ही बताओ, मैं नहीं बताऊंगा, डिग्रियां काम आती हैं या हुनर काम आता है? उत्तर दो, क्या काम आता है? आज बाजार में डिग्रियों की डिमांड ज्यादा है या हुनर की? आपके पास बिल्कुल डिग्री नहीं है लेकिन आप यदि काबिल हैं, टैलेंटेड हैं, आप किसी क्षेत्र में मास्टर हैं, तो आपकी कीमत औरों पढ़े लिखे लोगों से ज्यादा, आपके अंडर में बहुत पढ़े लिखे काम कर सकते हैं यदि आप काबिल हैं तो। यदि आपके हाथों में हुनर है, बोलो हां या ना। इसलिए अपने बच्चों को ना हुनर दीजिए, काबिल बनाइए। योग्यता आपकी कागजों में नहीं है, डिग्रियां हमारे पास कितनी है, हम कितने डिग्रियां लेके बैठ जाएं, लेकिन हमारे अंदर आपको समझाने का हुनर ही नहीं है तो हमारी डिग्रियां क्या करेंगी? हम बहुत पढ़े लिखे हों, बहुत विद्वान हों, लेकिन हम आपको समझा ही ना पाए कुछ, तो वो डिग्रियां क्या करेंगी, वो हुनर क्या करेगा? इसलिए आपकी काबिलियत, इसलिए अपने बच्चों को टैलेंट दो, योग्यता दो। पढ़ाओ लिखाओ बुराई नहीं है, खूब पढ़ाना चाहिए बच्चों को, पढ़ाओ लिखाओ अच्छी बात है, पर वो पढ़ाओ जिसकी जरूरत है। आज की पढ़ाई में बताओ क्या रह जाता है, क्या नहीं है, बताओ आज की पढ़ाई में क्या नहीं है? उत्तर दो, आज की पढ़ाई में क्या नहीं है, क्या नहीं है? आज की पढ़ाई में धर्म नहीं है, क्या नहीं है? कितने प्रकार की शिक्षा होती है, कितने प्रकार की होती है, कितने विषय सब्जेक्ट कितने होते हैं क्लासों में, स्कूलों में कितने? आज वर्तमान में, वर्तमान में आज किसी, हम जब पढ़ते थे तो हमारे 6 सब्जेक्ट हुआ करते थे दसवीं क्लास में, आपके समय आज कितने सब्जेक्ट हैं? 8, जीके इत्यादि जोड़ दिया होगा, एक आध और जोड़ा होगा, 8 विषय आज हैं, जबकि पढ़ाई के विषय सिर्फ 4 होने चाहिए। कितने विषय होने चाहिए जोर से, वो 4 विषय कौन से हैं वो जरा ध्यान से सुनो। आज हमारे देश की शिक्षा प्रणाली में सिर्फ 4 विषयों की जरूरत है, लेकिन आज सिर्फ 2 विषय हैं जिन्हें आप 8 कह रहे हैं, मैं अभी उन्हें समझाऊंगा। एक्चुअल में 2 ही विषय स्कूलों में पढ़ाए जा रहे हैं, 2 विषय नहीं पढ़ाए जा रहे हैं, जबकि टोटल 4 विषय हैं। हमारी सनातन संस्कृति की जो शिक्षा प्रणाली रही है इसमें 4 विषय रहे हैं। पहला विषय है धर्म, क्या पढ़ाओ बच्चों को, क्या पढ़ाओ बच्चों को, पढ़ाओ कि बेटा क्या धर्म है और क्या अधर्म है,
जब बच्चों को ये पढ़ाया जाएगा कि ये सत्य बोलना धर्म है, झूठ बोलना अधर्म है, तब बच्चे अधर्म से डरेंगे और धर्म के मार्ग पर चलेंगे। अब ये बच्चों को पढ़ाया ही नहीं जा रहा कि सत्य बोलना धर्म है, तो सत्य जब पढ़ाया ही नहीं जा रहा है तो सत्य बोलेगा क्यों कोई? धर्म, गीता जो कहती है वो धर्म है, तो बच्चों को गीता नहीं पढ़ाई जा रही है। रामचरितमानस जो कहती है वो धर्म है, रामचरितमानस नहीं पढ़ाई जा रही है। राम जिस राह पर चले वो धर्म था या अधर्म था? बोलो, धर्म था। तो राम जिस राह पर चले तो क्यों ना बच्चों को राम की कथा, राम की कहानी पढ़ाई जाए, राम के बारे में पढ़ाया जाए। जब राम के बारे में पढ़ेंगे तब ना राम जैसा चरित्र उनका निर्माण होगा। जब राम को पढ़ेंगे नहीं, पढ़ किसको रहे हैं? डार्विन को। और डार्विन कह रहा कि हम बंदरों की संतान है, इसलिए सब बंदरों तरक्की तरह आचरण कर रहे हैं। बंदर किसी भी बंदरिया को परेशान करता रहता है, ऐसे ये परेशान कर रहे हैं, क्योंकि जो तुम पढ़ोगे वही तो सीखोगे, वही तो करोगे। तो आज की शिक्षा में क्या नहीं है? धर्म नहीं है। धर्म क्या है? पूछो जरा इन पढ़ने वाले बच्चों से, बेटा धर्म किसे कहते हैं? इन्हें नहीं पता होगा। मैंने कितनी बार धर्म की व्याख्याएं की है कि दया ही धर्म है, सत्य ही धर्म है। अब बताओ, स्कूल में पढ़ने वाले आज भारत में 80% बच्चे मांसाहार करते हैं, अंडा, मछली, मुर्गी, बकरा, बकरी, ये बात सही है कि गलत है? अब बताओ, जब स्कूलों में धर्म का पाठ पढ़ाया जाता तो उन्हें बताया जाता, बताओ बकरे को काटना धर्म है या अधर्म है? मछली को मारना धर्म है या अधर्म है? मुर्गे को मारना धर्म है कि अधर्म है? अरे किसी को मारना धर्म है कि अधर्म है? अधर्म है। तो ये बच्चे अधर्म क्यों कर रहे हैं, क्यों मांस खा रहे हैं? क्योंकि धर्म के बारे में कभी पढ़ा ही नहीं। तो जब पढ़ा नहीं धर्म के बारे में तो अधर्म को समझेंगे कैसे? धर्म को जानोगे तो बताया जाएगा कि ये धर्म है और ये अधर्म है। राम जिस राह पर चले वो धर्म था और रावण जिस राह पर चला वो अधर्म था। अब धर्म कौन पढ़ा रहा है स्कूलों में भाई? किसे धर्म की जरूरत है? हाँ, आजकल बच्चे पढ़ क्या रहे हैं? दो विषय। पहला है अर्थ, अर्थ मतलब पैसा। आजकल के लोग पढ़ रहे हैं केवल पैसा कमाने के लिए, अर्थ। और दूसरी काम, पैसा कमा रहे हैं और कामनाएं पूरी कर रहे हैं, कामनाएं, वासनाएं। आज की पढ़ाई केवल दो विषय पर टिकी है। पढ़ लिख करके लोग केवल वासनाओं का भोग भोग रहे हैं, बस शादी हुई नहीं, पढ़ रहे हैं अभी कॉलेज में हैं कि एक लड़की से प्यार कर लिया, एक लड़के से प्यार कर लिया, और पढ़ाई कम चल रही है, वो रिलेशन में रहने लग गए, लिविन में रहने लग गए। क्या है ये? काम ही तो है। तो दो पढ़ाई हो दिख रही है समाज में, एक अर्थ और एक काम। धर्म कहाँ है? क्या आज जो लड़के शादी के पहले लड़कियों के संग रिलेशन में रह रहे हैं पढ़ाई लिखाई के नाम पर, क्या ये धर्म है? आज बहुत सारी लड़कियां शादी के पहले ना जाने कितने बॉयफ्रेंड बनाए घूम रही हैं, पुरुष कितने गर्लफ्रेंड बनाए घूम रहे हैं लड़के, क्या ये धर्म है? किसी भी लड़की के कंधे में हाथ रखकर चलना, किसी भी लड़की का हाथ पकड़ना, ये धर्म नहीं है साहब। हमारा भारत तो कहता है हम उसी का हाथ पकड़ सकते हैं जो हमारी अर्धांगिनी हो। आप बताओ, पूछो तुम अपने बाप दादों से कि संसार में किसी स्त्री का हाथ पकड़ने का अधिकार आपको है अपनी पत्नी के सिवा? हाँ या ना, उत्तर दो, नहीं है। पूछो तुम अपने बाप दादों से कि उन्होंने पकड़ा है किसी का हाथ? तो आजकल के लड़के तो पकड़ते हैं,
आज देखो आप कॉफी शॉप में जाकर के कॉफी पी रहे हैं, चाय पी रहे हैं, होटलों में जा रहे हैं, मॉलों में जा रहे हैं, सब जगह देखो लड़का लड़की एक दूसरे का हाथ। ये वो लड़का लड़की है जिनका ना विवाह हुआ है इनके संग और ना इनके संग होना है। आज इसका हाथ पकड़ा, कल उसका हाथ पकड़ा, कल उसका हाथ पकड़ा, ये धर्म नहीं है, ये केवल चरित्रहीनता है। ये तुम्हारा जो आचरण है ये केवल वासना से भरा आचरण है बस। ये आचरण रावण वाला आचरण है, ये आचरण कुत्ता बिल्लियों वाला आचरण है, राम का आचरण नहीं है ये। और ये राम का देश है, इस देश में आचरण कैसा होना चाहिए, रावण जैसा या राम जैसा? तो ये आचरणहीन बच्चे बन रहे हैं क्यों? क्योंकि आज स्कूलों में क्या नहीं पढ़ाया जा रहा है, धर्म। ये सब धर्म ना पढ़ाने का परिणाम है। आप ही बताइए, जो आज ये लड़का लड़की प्यार व्यार करते हैं ये सब सही है? प्यार कोई नहीं करता, ये सब लड़कियां अपना चरित्र बिगड़वा लेती हैं, प्यार के नाम पर अपना शोषण करवा लेती हैं, और ये लड़के लोग भी अपना चरित्र बिगाड़ लेते हैं। चरित्र केवल लड़की का ही नहीं बिगड़ता, चरित्र तो मर्द का भी बिगड़ता है। इसलिए मर जाना अच्छा है साहब, पर अपनी इंद्रियों के इतने भी गुलाम मत बनो कि तुम्हारी इंद्रियां तुम्हें चरित्रहीन बना दे। रावण सबको जीत चुका था पर एक से हार गया, बताओ किस से? जोर से, राम से। गलत उत्तर है आपका, रावण राम से नहीं हारा, रावण काम से हारा है। किससे हारा है? काम वासना से। मंदोदरी जैसी पत्नी के होते हुए सीता को चुरा कर ले आया। आप किसी दूसरे की स्त्री को चुरा कर ले आए तो आपकी नियत पर ही तो सवाल खड़ा होगा, आपके चरित्र पर ही तो सवाल खड़ा होगा। तो रावण किससे हारा? अपनी वासनाओं से। थोड़ा कंट्रोल करता अपनी इच्छाओं को तो रावण का सत्यानाश ना होता। एक व्यक्ति के सर्वनाश में राम राम कारण नहीं है। आप ही बताओ, राम ने तो केवल अपनी पत्नी की रक्षा के लिए सारे कदम उठाए हैं। राम का तो धर्म था, वो पति है, और पति का धर्म है कि वो अपने पत्नी के स्वाभिमान की रक्षा करे, तो राम ने किया। पर रावण हारा किससे? राम ने तो बाद में हराया, काम ने तो रावण को पहले ही हरा दिया। हाँ या ना? तो अपनी इंद्रियों को अपने सिर पे ना चढ़ा लो कि तुम्हारी इंद्रियां तुम्हें रावण बना दे। कंट्रोल, धर्म पढ़ो साहब, धर्म। धर्म क्या है जानो? आज भारत की विडंबना ये है कि 99.99 लोग ये नहीं जानते कि धर्म किसे कहते हैं, धर्म की परिभाषा क्या है, क्या है धर्म। आज की स्त्रियां आज अपने से बड़ों का, सास ससुर का, पति का सम्मान नहीं कर रही हैं, कुछ सब नहीं कुछ, क्या ये धर्म है? पलट कर जवाब दे रहे हैं सास को, ससुर को, पति को, क्या ये धर्म है? और पुरुष लोग अपनी पत्नियों को मारते हैं, हाथ उठाते हैं, पूछो इन मर्दों से, क्या ये धर्म है? एक नारी को मारना, क्या ये धर्म है? आज कौन धर्म का पालन कर रहा है साहब? पितामह भीष्म मर गए लेकिन सामने के रथ पर शिखंडी के होने से उन्होंने जान लिया कि स्त्री पर प्रहार नहीं करना। पितामह की शरीर पर बाण चुभ गए लेकिन उठाया नहीं धनुष, क्योंकि सामने अर्जुन के रथ पर शिखंडी था। स्त्री पर प्रहार नहीं करना है, यह धर्म है।
इसी धर्म के कारण मरना पड़ा तो मर गए लोग, पर धर्म नहीं छोड़ा। क्या हमारे देश में मुगल आए तलवार गर्दन में रख के क्या नहीं बोला कि तुम धर्म बदल लो? लेकिन हमारे सनातनी मर गए पर धर्म नहीं छोड़ा। स्वधर्मे निधनम श्रेयः पर धर्मो भयावह। अपने धर्म में रहकर मर जाना अच्छा है, अपने धर्म का परित्याग करना अच्छा नहीं है। स्त्रियां गरीबी कितनी भी हो, बर्तन धुलकर कमाना पड़े तो कमाओ, लेकिन आप सोचें कि मैं अपना शरीर बेच करके पैसा कमा लूं, तो सवाल आपसे पूछा जाएगा क्या ये धर्म है? आज उन वैश्याओं से पूछो जो देह व्यापार कर रही हैं, पूछो इनसे क्या ये धर्म है? भाई गरीबी है, पैसा नहीं है तो कमाओ और मर जाना अच्छा है, पर अधर्म से जीवित रहना क्या सही है? इसलिए हमारे यहां मर जाने को श्रेष्ठ माना गया है पर धर्म का त्याग नहीं, धर्म का त्याग नहीं, धर्म नहीं छोड़ा। माता सीता वनवास चली गई, लव कुश जंगल में पैदा हुए। किसी ने सीता मां से कहा कि क्या आप अगले जन्म में राम जैसा पति चाहेंगी? आपको तो बड़ा कष्ट दिया है राम ने, राम जैसा पति किसी का ना हो। तब माता सीता ने उनके मुंह में हाथ रखा, ऐसा मत कहो, हे सूर्य भगवान, मैं आपको साक्षी मानकर कहती हूं, जब जब मेरा जन्म हो मुझे अपने पति के रूप में मुझे राम ही प्राप्त हो। ये धर्म है, ऐसा नहीं कि तुम किसी तीसरे के भड़कावे में अपने पति से ही पति को ही गालियां देने लग जाओ। आजकल कुछ स्त्रियां किसी के भड़काने पर तुम अपने पति से लड़ लेती हो, गालियां देती हो, उसका अपमान कर देती हो, उसे त्याग देती हो, तलाक दे देती हो। पूछो आप अपने आप से, मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या ये धर्म है? क्या ये धर्म है? क्या है फिर धर्म? इसलिए धर्म को जानने के लिए एक शब्द में धर्म की परिभाषा ना होगी, धर्म को जानने के लिए वर्षों तक पढ़ना पड़ेगा, तब पता चलेगी सूक्ष्मता धर्म की कि धर्म चीज क्या है। धर्म कोई एक वस्तु, एक लाइन नहीं है कि वो लाइन में बोल दूं और आप धर्म के ज्ञाता हो जाएं। धर्म को जानने के लिए पढ़ना पड़ेगा और ये स्कूलों में पढ़ाया जाना चाहिए। बताओ आपके बच्चों को यदि धर्म पढ़ाया गया होता तो क्या आपके बच्चे अधर्म करते? पर क्या पढ़ाया जा रहा है? अर्थ, पैसा कमाओ और भोग भोगो, अर्थ और काम, चार प्रकार की शिक्षाएं हैं। पहले पढ़ाओ धर्म, क्या पढ़ाओ? और जो धर्म जानेगा तो धर्म से ही आता है अर्थ। पैसा कमाना बुरा नहीं है, आजकल के लोग कमा रहे हैं। बताओ आज जितने भी आप सरकारी डिपार्टमेंट को उठाकर देख लो, ऐसा कोई डिपार्टमेंट नहीं है जहां घूस दिए बिना आपका काम होता हो। 10 रुपए से लेकर 10 लाख 10 करोड़ तक की घूस है भारत में। 10 रुपए से लेकर 10 लाख और 10 करोड़ तक की घूस है। बताइए जो अधिकारी, सरकारी अधिकारी 50,000 रुपए ले रहा है, वो सरकारी अधिकारी आपसे घूस मांग रहा है, पूछो उससे क्या ये धर्म है? क्या भ्रष्टाचार करना उन अधिकारियों का धर्म है? भ्रष्टाचार मतलब देश के साथ गद्दारी। पूछो उनसे क्या ये धर्म है? लेकिन लोग धड़ल्ले से कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि इन्हें अर्थ चाहिए। हमारे सनातन धर्म में यह व्यवस्था रही कि पैसा तो हो पर धर्म के अनुसार हो।